हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जोश पे। स्टूडेंट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कूलम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, ये हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, और इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर और के, इन दोनों से किसी से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में से एप्सिलॉन आर होता है, कुछ में के होता है, तो ये आपके ऊपर आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमिटिविटी। उसके लिए मैंने कंसिडर किया कि कोई दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए, माना दो चार्ज है और दोनों किसी मीडियम में, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, चार्ज के बीच की डिस्टेंस। के क्या है, कांस्टेंट है लेकिन मीडियम के अकॉर्डिंग चलेगा ये। अब देखिए मीडियम की बात हो रही है तो के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर जो ये एप्सिलॉन ना, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और इसको बोलते क्या, देखो एप्सिलॉन ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन होता है वो होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए एप्सिलॉन क्या होता है, ये देखिए, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है विच डिक्रीजेस द फोर्स बिटवीन चार्जेस, जो कि क्या काम करता है, चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है। अभी कैसे करता है वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, इसको देख लीजिए आप, समझ लीजिए पहले। तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब आपको समझना क्या है, देखिए यहां पे देखते थोड़ा सा और, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है उसकी सबसे कम वैल्यू, सबसे मिनिमम मान होता है, मिनिमम वैल्यू होती है, वो होती है इसके अंदर एरिया वैक्यूम के अंदर। तो एप्सिलॉन मिनिमम जो होता है वो होता है किसके अंदर, वैक्यूम या एयर के अंदर। और वैक्यूम और एयर की जो परमिटिविटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, किससे, देखिए एप्सिलॉन नॉट, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट को, ये रहा। इसकी जो वैल्यू होती है, देखिए ये मिनिमम वैल्यू होती है एयर के अंदर, सबसे एरिया वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। आपको याद रखनी है, इसको रटना है, कुछ भी कर लीजिए आप, इसको समझना है सर, ठीक है। अब देखिए एयर की परमिटिविटी, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम है तो फोर्स सबसे ज्यादा होगा, क्यों, वो फोर्स को डिक्रीज सबसे कम करेगी तो फोर्स ऑब्वियसली सबसे ज्यादा यही होगा, तो फोर्स मैक्सिमम होगा कहां, वैक्यूम और एयर में, वैक्यूम और एयर में फोर्स सबसे ज्यादा होगा। ध्यान रखिए वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोलते हैं, कभी बार कुछ बुक्स में लिखा होता है वैक्यूम फ्री स्पेस, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वैक्यूम और फ्री स्पेस एक ही बात है, ठीक है। तो ये होता है फोर्स मैक्सिमम हो गया। अब देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार और, यहां पर देखिए कैसे, के की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू एरिया वैक्यूम के लिए सबसे कम है तो फोर्स तो बढ़ गया ना, मैक्सिमम हो गया है पर, तो इसलिए लिखा है फोर्स मैक्सिमम होता है वैक्यूम या एयर में, ठीक है, क्लियर है यहां तक, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं, समझ गए, फोर्स एयर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्यों होता है, फोर्स एयर या वैक्यूम में सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसकी परमिटिविटी सबसे कम होती है। आगे देखते हैं, अब आते हैं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पर।
देखिए अब इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट समझिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई दो चार्ज है जो कहां प्रेजेंट है, सबसे पहले ए या वैक्यूम में अंदर है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एरिया वैक्यूम, कहीं पे भी बात कर लो एक ही बात है, पहला पॉइंट। तो क्या होगा फोर्स की वैल्यू, उसको मैंने लिया एफ नोट से, एरिया वैक्यूम के लिए क्या लिया एफ नोट, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जो दो चार्ज है वो क्यू वन क्यू टू ले ली, बीच की डिस्टेंस आर ले ली। अच्छा अब एयर की बात हो तो एयर का परमिटिविटी क्या थी, एप्सिलॉन नॉट, और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर वन दे लीजिए आप। ठीक अब आ जाते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस सेम है, तो वो कितना हो जाएगा एफ एम, उसको एफ एम ले लिया मैंने नाम, और कितना हो जाएगा इस बार एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा ओनली एप्सिलॉन, और पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर हो गई टू। अब क्या करो वन को डिवाइड कर दो टू से, वन डिवाइड बाई टू, तो क्या हो जाएगा इस केस में एफ नॉट अपॉन एफ एम, विच इज देखिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन, यहां देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या ये, तो देखिए यहां अपन इसको देख लीजिए इधर ऊपर आगे आते हैं, देखिए F नोड अपॉन एफ एम, ठीक है देखो ये एप्सिलॉन नॉट बच गया और ये एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर जाएगा तो रिवर्स होके जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा, और विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और के, कुछ भी लिख दीजिए आपकी इच्छा हो, ये आ गया। ये रेशियो और ये रेशियो ही क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यहां से डेफिनेशन क्या बन गई आपकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी की, देखो देखो परमिटिविटी ऑफ ये क्या है मीडियम, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर इज नोन एज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो एक डेफिनेशन में लिखता हूं दूसरी आप समझना, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एरिया वैक्यूम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी फोर्स के रेस्पेक्ट में, देखिए द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू फोर्स इन ए मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज परमिटिविटी, सो रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल है बिल्कुल, कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं इनके अंदर। ठीक चलिए आगे देखते हैं, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, नोट कर लो आप सबके ताकि ध्यान रहो। देखिए जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी है उसमें देखिए जो के का मान होता है वन वो होता है वैक्यूम के लिए, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, के का मान 1.0054 जो होगा वो होगा एयर के लिए, और के का मान 80 होता है वो होता है वाटर के लिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ये तीनों पॉइंट ये भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में मोस्टली इस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। अब स्टूडेंट अगला टॉपिक जाऊं उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप करना सॉल्व करना और मुझे बताना उसका आंसर। ठीक है
देखिए क्या है वो क्वेश्चन, समझ लीजिए आप उनको, कर लीजिए आप इसको। मैं एक तो समझ देता हूँ, दूसरा आप करना है। देखिए फोर्स, चलो इस क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर इन एयर। ये आपको सॉल्व करके बताना है मुझे, ठीक है? सिंपल सा है, अगर आपने शुरू से क्लास से लिए तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आप सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर बताना। चलिए आते आगे, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जो हम फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है वो फाइंड आउट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए सबसे पहले फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज समझते हैं, तो उसके लिए कंसिडर कीजिए, जिनसे मैंने माना कि एक चार्ज है क्यू नॉट और बाकी क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री और बहुत सारे चार्ज हैं आपने मान लीजिए। हमें क्या करना है, इस क्यू नोड चार्ज पर क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। तो जैसे मान लो अगर यहां से मैं क्यू टू पर भी निकाला तो ऑल दीज चार्जेस निकाल सकता हूँ, क्यू थ्री पर अगर मुझे चार्ज निकाल फोर्स निकालना है बाकी थ्री के कारण तो निकाल सकता हूँ, क्यू नोड पर निकालना है बाकी तीन के कारण फोर्स तो वो भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, किस प्रिंसिपल निकालेंगे, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है वो देख लीजिए, द फोर्स ऑन ए चार्ज, द फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज ड्यू टू ऑल रिमेन चार्जेस, ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस। देखिए क्या कह रहा है, फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, ऑल रिमेनिंग चार्जेस। कहने का मतलब देखिए, द फोर्स ऑन ए चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स, अगर मान लीजिए क्यू नोट पे फोर्स निकालना है तो क्या होगा, द फोर्स ऑन ए चार्ज, इस क्यू नोट पे चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज, इस चार्ज पर ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, इन चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उन सब का क्या कर दीजिए, वेक्टर सम, तो इस चार्ज पे टोटल फोर्स मिल जाएगा हमारे को। तो कहने का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए, आप समझते हैं इसको, कि Q1 जो चार्ज है वो Q0 पर फोर्स लगा रहा है और वो लगा रहा है F01, ये हमने पढ़ा है, समझा है, ठीक है ना? अब एक चीज स्टूडेंट, ये Q1 Q0 पर फोर्स लगा रहा है तो हमने क्या लिख दिया, F01, जिस पे लगता है उसको पहले, जो लगा था उसको बाद में, तो जी नोड पे लग रहा है तो पहले, जीरो लगा रहा है तो बाद में। अच्छा स्टूडेंट, इस फोर्स की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, हमने पढ़ा था इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो 1 0, तो डायरेक्शन क्या होगी, आर 10 के, इस डायरेक्शन फोर्स, ठीक, इतना क्लियर। अब ये चार्ज इस पे लगा रहा है तो इन दोनों के बीच की
जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, वन सेट जीरो, तो वन जीरो वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया इन दोनों चार्ज का, इसका और इसका, ठीक। आगे अब ये चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स, तो ये लीजिए ये वाला Q2 Q नोट पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स का मैंने रिप्रेजेंट किया एम्पीयर टू वेक्टर से, डायरेक्शन कौन देगा इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, देखिए इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा और क्या होगा आर टू जीरो यूनिट वेक्टर, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, देखो टू से लगाया तो क्या बनेगा आर, सॉरी आर टू जीरो वेक्टर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहां तक। तो अब आइए इसकी बात करते हैं, तो अगर ये लगाएगा तो ये कैसे लगाएगा, इस पर इस तरह से, और वो क्या हो जाएगा F जीरो थ्री वेक्टर, अच्छा इसके डायरेक्शन कौन देगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा R थ्री जीरो यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया R थ्री जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इतना क्लियर, कोई डाउट, मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ओके स्टूडेंट, चलिए आते अब देखिए अब क्या बोला गया, स्टेटमेंट पे आइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, तो क्या कह रहा है कि किसी एक चार्ज पर जो फोर्स होगा, जैसे मान लो क्यू नोट पे जो फोर्स होगा वो इन तीनों चार्ज के द्वारा लगाया गया, फोर्स कौन कौन से है, एफ जीरो वन वेक्टर, एफ जीरो टू वेक्टर, एफ जीरो थ्री वेक्टर के वेक्टर सम, तो एफ जीरो वन वेक्टर प्लस एफ जीरो टू वेक्टर प्लस एफ जीरो थ्री वेक्टर, अब मान लो वहां पर और चार्ज होते बहुत सारे एन तक जाते तो डैश क्यू जीरो एन वेक्टर, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक। चलिए अब इन सब फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए क्या है वैल्यू, एफ जीरो वन वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, के क्यू नोड क्यू वन अपॉन आर वन, डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, इन दोनों चार्ज की वैल्यू, भाई सबसे पहले इन दोनों चार्ज एफ जीरो वन क्या है, इन दो चार्ज के बीच में फोर्स, तो ये हो गया डिस्टेंस क्या, ये रही ये लो, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्या डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या है आर वन के, सिंपल, लेकिन इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, एफ जीरो टू वेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू नोड क्यू टू अपॉन आर टू जीरो वेक्टर का स्क्वायर, सिमिलरली डायरेक्शन इसकी ये रही, हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिया, एफ जीरो थ्री वेक्टर की बात करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा के क्यू नोड क्यू थ्री अपॉन आर थ्री जीरो वेक्टर का क्यूब और आर थ्री जीरो सॉरी यहां पर आएगा स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर। तो हमने सभी फोर्सेस को क्या कर दिया है स्टूडेंट, रिप्रेजेंट कर दिया है, अब करेंगे क्या इन सभी को, देखिए इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो देखो एफ वेक्टर बराबर के क्यू नोड क्यू वन अपॉन आर वन वेक्टर का स्क्वायर और आर वन के, ठीक है, सिमिलरली के क्यू नोड क्यू टू अपॉन आर टू जीरो वेक्टर का स्क्वायर और आर टू जीरो के यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, इसी प्रकार के क्यू नोड भाई इन सब की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा आर थ्री वेक्टर का मोड का स्क्वायर और आर थ्री यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं आगे और लिखने के लिए थोड़ा सा, आप लोग नोट करते जाओ इनको, अब मान लो बहुत सारे चार्ज हैं तो क्या करेंगे, प्लस डेटेड प्लस के लास्ट एंथ के क्यू नोड क्यू एन, एन में चार्ज लगा रहा है क्यू नोड फोर्स वो आर एन के सॉरी वेक्टर का स्क्वायर और आर एन के का यूनिट वेक्टर, ठीक है, इतना नोट कर लिया, देख लीजिए एक बार और ढंग से, ठीक है स्टूडेंट आगे चले, चलिए आइए क्या करेंगे, अब यहां से क्या ले लो के क्यू नोड कॉमन ले लो, बच गया क्या क्यू वन अपॉन आर वन का स्क्वायर और ये बन गया आर वन के प्लस
Q2 अपॉन R20 वेक्टर का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R30 वेक्टर का स्क्वायर और R30 के सिमिलरली लास्ट में जाते थे बचेगा क्या Qn अपॉन Rn वेक्टर का मोड का स्क्वायर ऑन यूनिट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ये होगा। इस तरह से पूरा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए आप चाहो तो एग्जाम में यहां तक छोड़ सकते हो ठीक है, या इसके आगे अगर आप प्रोसेस करना चाहते तो और बेटर है। देख लीजिए वो क्या है, समझिए इस चीज को, मैं रफ कर रहा हूं आप नोट कर लेंगे। देखिए क्या इसको क्या लिखेंगे, देखो एफ वेक्टर है, के क्यू नोड तो बाहर है अपना, बाकी सब में प्लस है तो समेशन लगा दिया मैंने। कहां से है चार्ज, वन से लेके कहां तक जा रहा है, एन में चार्ज की बात कर रहे हैं, एन चार्ज की बात कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू वन से लेकर कहां तक, एन तक। तो ये क्या हो जाएगा क्यू ऑफ आई अपॉन आर जीरो वेक्टर का स्क्वायर और आर, ये लीजिए ये पूरा मेरे फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है शॉर्ट फॉर्म में। आप यहां तक करके छोड़ दो कोई इशू नहीं है, ये आपका फोर्स निकल नोट मिल जाएगा आपको क्यू नोड चार्ज पे। तो यहां पे हमने क्यू नोड एक चार्ज पे निकाला ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, क्या निकाला है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स स्प्रेंड है आप इस चीज को ठीक है। देखिए एक बार और आप लोग चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसको, ठीक है सिंपल सा है।